स्रोत सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूवेरफन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किए हैं। यह स्थिति सामूहिकीकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का परिणाम है। बहुत थोड़े से समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में भी फैल गई हैं। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में हुए हैं। विद्रोही किसानों का ज्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिए जाएं। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 656 को मृत्युदंड दिया गया है, 3,673 को श्रम शिविरों में बंद कर दिया गया है और 5,580 को देश निकाला दिया गया है। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख के.एम. कार्लसन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को भेजी गई रिपोर्ट 19 मार्च 1930 वी सोकोलोव ऑप्शचेस्ट वो एक ब्लास्ट वी 1930 ये गोदी। स्रोत यह एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो सामूहिक खेत में काम नहीं करना चाहता। उसने क्रिस्तियांस्काया गजीटा कृषक समाचार पत्र को यह खत लिखा था। उद्धरण ... मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ था। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 की है। मेरा बेटा 16 साल का और 2 बेटियां 19 साल की हैं। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है। 1932 से मेरे ऊपर इतने भारी कर थोप दिए गए हैं कि उन्हें चुकाना असंभव है। 1935 में तो स्थानीय अफसरों ने कर और भी बढ़ा दिए। मैं इतना कर नहीं चुका पाया और मेरी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई। मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजार, फर्नीचर और घर की मरम्मत के लिए रखी लकड़ी सब कुछ कुर्क करके बेच डाला। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी। कोल खोज ने ही उन्हें खरीद लिया। 1937 में मेरी दोनों झोपड़ियों में से भी एक बेच दी गई और दूसरी को जब्त कर लिया गया। वी सोकोलोव ऑप्शचेस्ट वो एक ब्लास्ट वी 1930 ये गोदी। स्रोत सोवियत रूस में एक भारतीय 1920 अपनी जिंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुंचे हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रतिक्रांतिकारियों और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी है। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया है। आप वहां मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। शौकत उस्मानी, हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ ए रेवोल्यूशनरी। स्रोत रूस से रविंद्रनाथ टैगोर 1930 मास्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसों के साए में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन की करामात है। यहाँ महज 1 दशक पहले ये भी हमारे लोगों जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका है। बॉक्स 1 फरवरी क्रांति में महिलाएं। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी।
लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पावरोटी भिजवाए। उसने पावरोटी तो ले ली लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती तो उसने पलटकर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। स्रोत: चॉय चैटर्जी, सेलिब्रेटिंग विमेन 2002। बॉक्स 2। रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। बॉक्स 3। क्रियाकलाप। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके, दो दृष्टिकोण। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गाँव में पहुँच गई। लोगों ने खूब खुशियाँ मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था मुफ्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए और उसके विशालकाय बाग के पेड़ काट कर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई, उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गई और उसकी जमीन किसानों के बीच बांट दी गई जो एक नई सोवियत जिंदगी जीने को तैयार थे। फेदोर बेलोव, द हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फार्म। एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ, तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइल मिखाइलोविच जागीर का मालिक शांत था, लड़कियां भी। इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र न करें, उन्हें जीने दो। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांवों में लोग कमेटियों को बाहर निकाल कर पूरी जागीर दोबारा मिखाइल मिखाइलोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। सर्च मेमान, एकोज ऑफ ए नेटिव लैंड, 2 सेंचुरीज ऑफ ए रशियन विलेज, 1997। बॉक्स 4। यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती। 2 कब्जा किए गए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया। कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। खेतों से हासिल किए गए कृषि उपकरणों को कम्यून के हवाले कर दिया गया। सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सहकारी साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को सबके बीच बांट लिया जाता था। सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय और कम्यून के पास मौजूद सारे रिहायशी मकानों और सुविधाओं का कम्यून के सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। फेदोर बेलो, द हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फार्म, 1955। बॉक्स 5। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां का दौरा किया।
रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती थी। हिंदी में आर एस अवस्थी ने 1920 से 21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखी। उनके अलावा एस डी विद्यालंकार ने द रीबर्थ ऑफ रशिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया। अध्याय 3, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाथसी थे। वे एडोल्फ हिटलर के रस समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाथसियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाथसीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाथसीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज से डरे हुए थे। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबेल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाथसी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? दूसरे विश्वयुद्ध के साए में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाथसियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाथसियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी।
असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उसने भी नाथसी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था? एक, वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्वयुद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुएनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वो गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंडकों की जिंदगी का महिमामंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंडकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते, वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे।
सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्वयुद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखाचित्रों में जर्मन नागरिकों को पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मंदी के साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आए इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची।
जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसाय, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही धर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बर्जगारों की बती फौज उनकी माले भाव क्षमता को भी चाटे पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाजी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले।
हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाथसियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाथसी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाथसियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का नेता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाथसी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसेलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाथसियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नाथसी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाथसी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाथसियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स एसए के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस एसएस, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसटी का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाथसी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री ह्याल्मार शाख्त को सौंपी। शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली।
1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेंटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीति अब पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। शाख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाथसी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज्यादातर देशों में नाथसी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। दूसरे विश्वयुद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाथसी जुल्मों की कहानी है। नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण। नाथसियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाथसी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीविता का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया।
इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहां हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाथसियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेनडाउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्मस्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नजर में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाथसियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाथसी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नजर में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल यही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाथसी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाथसी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। इनके अलावा भी कई नस्लें थी जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नाथसी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाथसियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नजर में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें गेटोस यानी दरबा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नाथसियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे।
1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चेंबरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। नस्ली कल्पनालोक यूटोपिया। युद्ध के साए में नाजी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन कर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता जहां उनमें से ज्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गेटों और गैस चेंबर भी थे, इसलिए यहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। मौत का सिलसिला। पहला चरण बहिष्कार 1933 से 39। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। एक जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। दो यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। तीन यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। चार यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घर सिनेगॉग्स जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। दूसरा चरण डरबाबंदी गेटोइजेशन 1940 से 44। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोड्स एवं वॉर्सा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटो में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। तीसरा चरण सर्वनाश 1941 के बाद। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जिक, ऑशविट्स, सोबीबोर, ट्रेबलिंका, चेम्ट्रो तथा मायदानिक में उन्हें गैस चेंबरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाजीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था,
तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चेंबरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिलवाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को यूंगफोक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मातृत्व की नाजी सोच। नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थरदिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाजी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कालिक पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। प्रचार की कला।
नाथसी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाथसियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में यूथनेजिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चेंबरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चेंबरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चेंबर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। प्रचार की कला। नाथसी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाथसियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में यूथनेजिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चेंबरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चेंबरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चेंबर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाथसी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। नाथसी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द इटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपराप्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफी घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछुंदरी जीवों से की जाती थी। नाथसीवाद ने लोगों के दिलोदिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़का कर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाथसीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाथसियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाथसी ही हल कर सकते हैं। 5. आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाथसीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नाथसी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाथसी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाथसी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाथसीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाथसी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाथसीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेदे व्यक्त करने, नाथसीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आग फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे।
पादरी नीम्यूलर ने नाथसियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाथसी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। नाथसी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शॉर्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। शॉर्लट ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाथसियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाथसी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चेंबर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। महाध्वंस होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियां। नाथसी तौर तरीकों की जानकारी नाथसी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाथसी कतलेआम में झेली थी। इन्हीं कतलेआमों को महाध्वंस होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाथसी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाथसियों की पराजित ही है, तो नाथसी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। नए शब्द मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। नाथसी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नाथसियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नाथसियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाथसी कहा जाता था। हर जाना किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना। खंदक युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गई। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार। सर्वहाराकरण गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना।
प्रोपेगेंडा जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से। कॉन्सेंट्रेशन कैंप ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप बिजली का कट, दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे। नॉर्डिक जर्मन आर्य, आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लॉन्ड नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले जिप्सी, जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। सूदखोर, बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन, इस शब्द का प्रायः गाली के रूप प्रयोग किया जाता है। घटाओ, किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना। यूंगफोक, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाथसी युवा संगठन। महत्वपूर्ण तिथियां। 1 अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू। 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त। 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान। 28 जून 1919 वर्साय की संधि। 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड में घुसना। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। 22 जून 1941 जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं। 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजें ऑशविट्ज़ को मुक्त कराती हैं। 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। स्रोत क, यह पृथ्वी न तो किसी को हिस्से में मिली है और न तोहफे में। नियति ने यह उन्हें सौंपी है जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। हिटलर, सीक्रेट बुक, संस टेलफोर्ड टेलर। स्रोत ख, पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है और उनमें से कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसी विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाह्यात से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ हो। हिटलर, मेन काम्फ। स्रोत ग, 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नाथसी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूहरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्तध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक अडॉल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। W. शायरा, द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक से उद्धृत। स्रोत भ, जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक यह उनका पीछा नहीं छोड़ता। स्रोत च, न्यूरेम्बर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने कहा था, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द की दुनिया में, उसके मुख्य दायरे में दखल दें। हमारी नजर में यह कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग हैं। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती हैं।
हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध। स्रोत 6। न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को ही हिटलर ने यह भी कहा था, औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसीलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरत को भी वही जगह दी है जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। बॉक्स 1। क्या नाथसियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नाज़ीज ए वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एना क्रांत से भी बात की जो 1930 के दशक में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी हैं। एना ने रीस से कहा, 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वह अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। बॉक्स 2। गांधी जी ने हिटलर को लिखा। हिटलर को गांधी जी का पत्र। वर्धा, मध्य प्रांत, भारत, 23 जुलाई 1939। प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों न हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र, गांधी। हिटलर को गांधी जी का पत्र। वर्धा, 24 दिसंबर 1940। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं ही जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणता पूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र, गांधी। संपूर्ण गांधी वाण्मय खंड 73, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। खंड 2, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनवासियों और चरवाहा समुदायों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया।
आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ है? इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर और बाजार को आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर ही ध्यान देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहों और वनवासियों, घुमंतु किसानों और खाने की चीजें बीन कर गुजर करने वालों की जिंदगी अतीत में ही कहीं अटक कर रह गई है। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी जिंदगी का कोई महत्व ही न हो। खंड 2 के अध्यायों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमें उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें हम आज रह रहे हैं। वे गुजरे हुए जमाने के बचे खुचे लोग नहीं हैं। अध्याय 4 में आप जंगलों की सैर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय जंगलों का किस किस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योग और शहरों, जहाजरानी और रेलवे के उदय व विस्तार से लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था। इन नई जरूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून बदले गए और जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति सामने आई। यहाँ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, कैसे वन क्षेत्रों को मापा गया, पेड़ों का वर्गीकरण किया गया और बागान विकसित किए गए। इन सारे परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदायों की जिंदगी पर भी असर पड़ा। उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और अपने जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए विवश किया गया। लेकिन बहुधा उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की और सरकारों को अपनी नीतियां बदलने के लिए बाध्य किया। इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाजा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का इतिहास क्या रहा है। अध्याय 5 में भारत और अफ्रीका के पहाड़ों और रेगिस्तानों, मैदानों और पठारों में चरवाहों के पदचिन्हों को ढूंढने की कोशिश की गई है। इन दोनों क्षेत्रों में चरवाहा समुदाय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर भी हम विरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। उनका इतिहास पाठ्य पुस्तकों के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता। अध्याय 5 में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, कृषि विस्तार और चरागाहों के सिमटते जाने से उनके जीवन पर किस तरह के असर पड़े। इस हिस्से में आपको उनके आवागमन, अपने समुदाय के साथ उनके संबंधों और बदलते परिवेश के अनुरूप वो खुद को कैसे ढालते हैं, इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। जब तक हम विभिन्न समुदायों और समाजों के जीवन में आ रहे परिवर्तनों को देखना बूझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे कि आज की दुनिया कैसे बनी है। साथ ही आधुनिकीकरण की समस्याओं को भी हम तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उससे पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर विचार नहीं करेंगे। अध्याय 4, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नजर दौड़ा कर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की हैं। इस किताब का कागज, मेज, कुर्सियों, दरवाजे, खिड़कियां, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफी के सेलोफेन रैपर, बीड़ियों के तेंदू पत्ते, गोंद, शहद, कॉफी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टैनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीजें भी तो जंगलों से ही आती हैं। अमेजॉन या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। एक, वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं।
वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसकी कई वजहें थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। 1.2 पटरी पर स्लीप। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाए और बनाए रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। 1.3 बागान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डाइट्रिच बैरेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। बैरेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे।
पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह बैरेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहां जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया, लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया, इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें दो बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके, ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हों। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। वन्य इलाकों में लोग कंद मूल फल पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हरे के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी बोहिरिया वाहिली की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमूर सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैरकानूनी बन गईं। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के इनके भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिक, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंडा, बेवर, नेणु, झूम, पोड़ू, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम है। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है।
मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। शिकार की आजादी किसे थी? जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गईं। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2,00,000 भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेजोन के मुनदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोये, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गईं। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे।
इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हल्बा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबाने बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती मां से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूंकि हर गांव को अपनी चौहदी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं, तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दाण या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने गांवों का समूह के गांवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के दो तिहाई हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतु खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और धुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगाड़ और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899, 1900 में और फिर 1907, 1908 में। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में, त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे। यह गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हरेक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे।
आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाही, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने फरवरी मई लग गए, फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4-600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें। जरा देखें कि इसी वक्त वहां क्या कुछ हो रहा था। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 280,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को धोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में स्रोत जग खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी धोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लेंडागेंस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। सामन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदुबलातुंग गांव के निवासी सुरोंतिको सामन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था।
1907 तक 300,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ साम्यवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगाड़ करने से इनकार कर दिया। युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्वयुद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति स्कॉच अर्थ पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। वानिकी में नए बदलाव। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरनाक देवरा कुडू कान राय इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। नए शब्द। स्लीपरा रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। वैज्ञानिक वानिकी वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। इजारेदार या एकाधिकार। स्रोत क पड़ती जमीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। यही वह विचार था जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हॉर्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका के होंडुरास के बारे में लिखते हैं, आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता। ये मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के गिरोह जैसे हैं, जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और न ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। डेविड स्पर द रेटरिक ऑफ एम्पायर 1993 में उद्धृत। स्रोत ख मुल्तान और सुक्कूर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फीट 10 इंच 5 इंच या 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 600,000 स्लीपर की जरूरत होगी, या कि 200,000 क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 219,000 मन की जरूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ तैमरिस्क और झांड झंड के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी।
आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी। ईपी स्टेबिंग, द फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया, भाग 2, 1923। स्रोत ग। बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई, तब उन्होंने सरकार को यह याचिका दी, हर रोज हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं है। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को भी उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। वेरियर एल्विन, 1939। माधव गाडगिल व रामचंद्र गुहा, दिस फिशर लैंड एंड इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उद्धृत। स्रोत घ। पुतुमायों में रबड़ की निकासी। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी। अमेजॉन के पुतुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी, ब्रिटिश व पेरुवियन साझे में द्वारा रबड़ की निकासी हुई तो उस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगाड़ पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुटुमायो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया है कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढक गई। खून से नहाए हुए, दया की भीख मांगते जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ चला दिया गया और मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूं जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते हैं। निकोलस डकर्स, कॉलोनियलिज्म एंड कल्चर, 1992 में माइके लताव सिंह, कल्चर ऑफ टेरर, स्पेस ऑफ डेथ। स्रोत च। भूंडिया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान, जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारिंगा स्कूल जला दिया। केसलूर में लाइने व पशु अवरोध शाला और टोकापाल, राजुर में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। भूंडिया माझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोर नदी का रास्ता लिया क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिलमिल्ली चले गए। बुद्धू माझी और हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। डेपरेट पॉलिटिकल एजेंट, छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स का 23 जून 1910 को कमिश्नर, छत्तीसगढ़ डिवीजन के नाम लिखा पत्र। स्रोत छ। बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में, जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था, बताते हैं, कनकापाल के पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी तोकेली ने बताया कि अंग्रेजा ने आकर जमीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह न थी, इसलिए जमीन ली जा रही है, यह देख उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। लड़ाई शुरू हुई, उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी तोकेली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हरेक गांव से 2-4 लोग जगदलपुर गए, चितपाल के गागी देवा और मिखोला, माँ की मिराज के दोल और अबरा बूंदी, बालेरास का वादा पांडू, पालिम का उंगा और दूसरे ढेर सारे लोग। इसी तरह से नंदरासा के एक बुजुर्ग चेंद्रू ने कहा कि लोगों की तरफ पुर्निया थे, पालिम के मिल्ले मुदाल, नंदरासा के सोएकाल धुरवा और पंडवा माझी।
हर परगना से लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए। एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडा दूर उड़ सकते थे इसलिए उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी, लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे, फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव घर पहुंचे। स्रोत ज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डक वॉन होजेनराप ने उपनिवेश कालीन जावा में कहा था, बतावया के लोगों चैन पड़ो, आश्चर्य से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायन नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाजों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धंसी है, छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है, साथ ही जितनी जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाजों को बनाने के लिए भी। इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेजी से उगते हैं जितनी तेजी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देख रेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे। डक वॉन होजेनराप पेलुसो, रिच फॉरेस्ट्स पुअर पीपल, 1992 में उद्धृत। बॉक्स एक। किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगारंजेरी की अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नगुरुंदरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। यह जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। अध्याय 5। आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिककर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था? चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही न हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का कितना महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। एक, घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चरागाहों के लिए।
इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहां उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे।